संजय की एक्सटेंशन मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में एक्चुअली बच्चों को लेकर फिल्में और बच्चों के लिए फिल्में ये चीजें होती भी नहीं है ज्यादा बहुत बहुत बच्चों को जब हम दिखाने ले जाते हैं फिल्में तो ज्यादातर वो हॉलीवुड की फिल्में ही दिखाते हैं. बट आई थिंक इस फिल्म की एक बहुत अहम खासियत है कि जबकि ये सब्जेक्ट बहुत सीरियस है लेकिन इसको जिस तरह से दिखाया गया है कि बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि वो सेंसिटाइजेशन जो है वो बचपन से ही होना चाहिए, तभी जाके हम लोग रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स बन पाते हैं. क्योंकि ये कहानियां जो है जब तक हमारे पॉप कल्चर में नहीं होगा तब तक हम लोग सेंसिटिव होके ग्रो अप ही नहीं करेंगे. हमें लगता है कि अच्छा बच्चों के लिए हम लोग ये इस टाइप की कहानियां रखते हैं और बड़ों के लिए अलग कहानियां रखते हैं. ऐसा होता नहीं है, बच्चे बहुत शार्प होते हैं और उनको समझ आ जाती है चीजें. और मतलब इस फिल्म की ये खासियत है कि जैसे हम लोगों ने म्यूजिक वीडियो में भी देखा है कि बच्चों को जिस ढंग से कहानी समझ में आए कहानी उस ढंग से कही गई है. तो एक मतलब बहुत बेसिक भाई बहन के रिलेशनशिप में जो एक बेसिक इमोशन होता है उस थ्रेड को भी फॉलो किया गया है जो हर बच्चा भी रिलेट कर पाएगा. सो आई थिंक कि पॉप कल्चर के थ्रू भी हम लोगों को ये एक्सटेंशन जो है ये सेंसिटाइजेशन जो है ये बच्चों में भी इनकल्केट करना चाहिए. और जैसे संजय ने कहा आई कम्प्लीटली अग्री विथ हिम कि वो लोग बहुत शार्प बहुत ओपन बहुत सही पैदा होते हैं, फिर हम लोग उनको गलत कहानियां सुना के भी बिगाड़ देते हैं. तो उनको भी सही कहानी की एक्सपोजर जो है वो हमको बचपन से ही देनी चाहिए. और आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम लोग कभी कभी अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे देश में या दुनिया में और क्या क्या हो रहा है. थैंक यू ब्रह्मा जी. जब ब्रह्मा जी ने मुझे फिल्म की कहानी सुनाई तब मुझे कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में पता चला, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में बहुत हीरो हैं जिनको हम जानते हैं और भी कुछ फील्ड्स में, लेकिन कुछ ऐसे हीरो हैं हमारे देश में जो हम कभी हमारे नज़रअंदाज कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता उनके बारे में. और जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं उन्होंने ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चे जो कभी स्कूल ही नहीं जा पाते, जो हमेशा बचपन से ही काम करते हैं और बहुत बुरे हालात में जीते हैं, उनको वहाँ से निकाल के उनको एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं. ब्रह्मा जी को मैं फिर से थैंक यू बोलता हूँ कि उनके लाइफ के ऊपर उन्होंने ये फिल्म बनाई है. और रोमन इनामी जी ने उसको बहुत खूबसूरती से उसको निभाया है. और क्योंकि अगर ऐसे कलाकार इस फिल्म में आएंगे तो ऐसे कॉज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा. सबसे पहले शुरुआत करूँगी हमारे डायरेक्टर से, ब्रह्मानंद सिंह. इनसे मेरा तारुफ हुआ था जब मैंने पंचमदाह की डॉक्यूमेंट्री देखी थी और इन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला कि ये कौन शख्स है जिसने इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनाई. और उसके बाद जगजीत सिंह जी की डॉक्यूमेंट्री देखी एंड एक मन में ये ज़रूर था कि इनके साथ काम ज़रूर करना है, बिकॉज अगर आपने देखी है वो डॉक्यूमेंट्री इज़ रियली ब्यूटीफुल. एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि एक ऐसे सब्जेक्ट के लिए उन्होंने मुझे कहा इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए. जैसा संजय ने बहुत सही कहा कि हम जब बड़े हो जाते हैं अपना बचपन याद करते हैं, तो हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे बचपन बहुत बचपन की तरह ही थे, जहाँ हमने शरारतें की हैं, हमें जो कभी मन किया कि हमें ये चाहिए हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, हमने खेल कूद भी किया है, जहाँ पर डांट करनी है मिस्टेक्स करनी एवरीथिंग दैट इज चाइल्ड हमने वो सब किया है. लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें आप फिल्म में भी देखेंगे जो चाइल्ड लेबर में फंस जाते हैं और वो अपना बचपन ही नहीं जी पाते. सो कैलाश जी के जीवन पर ये जो कहानी, इनफैक्ट मुझे पर्सनली उनसे मिलने का मौका मिला एंड 50,000 से ऊपर कितने बच्चों को 85,000 बच्चों को उन्होंने चाइल्ड लेबर से बचाया और आज भी कर रहे हैं. And he has won Nobel Prize उन्हें इसकी वजह से मिला. और बिल्कुल पैशन उनका ऐसा है कि जान भी जोखिम में डाल के फिर भी बच्चों को बचा रहे हैं.
और सबसे खूबसूरत बात जब मैं उनकी डॉक्यूमेंट्री, उन पर जो बनी है एक डॉक्यूमेंट्री, वो देख रही थी, जो जो एक्चुअल बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, पहले डर था कि हमें किस खौफनाक जगह से आप निकाल के नॉर्मल जिंदगी में वापस डाल रहे हो, और पेरेंट्स जो अनश्योर थे कि अब हम इन्हें नॉर्मल चाइल्डहुड कैसे देंगे, लेकिन जो एक रिलीफ था कि नाउ वी आर फ्री, वो उस इंसान ने किया है. बबन हैज रियली डन सच अ फैबुलस जॉब ऑफ प्लेइंग हिम, एंड आई थिंक वी आर अ फैबुलस टीम हियर. बहुत हंसते खेलते मिर्जापुर में हमने शूट किया, तनी हैज को डायरेक्टेड इट 48 डिग्री सेल्सियस. तो लेकिन हंसी मजाक में एक बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी फिल्म बनी है, एंड इट्स ऑल हार्ट. और जहाँ बच्चे होते हैं मुझे लगता है वहाँ एनर्जीज भी वैसी रॉ हो जाती हैं, आप सब अनलर्न कर लेते हैं. तो मुझे लगता है इन दोनों बच्चों को देखते देखते हम भी कहीं ना कहीं बचपन में गए, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड दैट इन द फिल्म व्हेन यू सी इट. सो या, इट्स बीन ग्रेट टू हैव थैंक यू. हम हमेशा बोला जाता है बच्चे मन के सच्चे, या बच्चे कल के नागरिक है, बहुत सारी चीजें बोली जाती है. एनजीओ अपना अपना काम करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं बॉलीवुड के वो सपोर्ट में आ जाते हैं, बट मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने एक ये खुद का एक सपना देखा ये झलकी के मूवी में, और वो 27 को पूरा होने वाला है. तो जिस तरह से उनका एक सपना है और उसमें एक हम लोगों को एक पार्ट होने का एक मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए. क्योंकि बहुत सी बार मूवी प्रोड्यूस करना, तो पहले उसका कमर्शियल एंगल देखा जाता है और बाकी सारी चीजें देखी जाती है, बट मुझे लगता है कि जब ऐसे कॉज के लिए, अवेयरनेस के लिए कुछ करना हो, तो मुझे लगता है ब्रह्मा जी जैसा एक विजन होना चाहिए. कैलाश सर है, पूरी जो कास्ट है, इन्होंने जिस तरह से कोऑपरेट किया हुआ है वो बहुत बड़ी बात है. मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं कि मराठी में एक मूवी आई थी जो रितेश देशमुख ने प्रोड्यूस की थी, बालक पालक, और वो किड्स और पेरेंट्स इनके रिलेशनशिप पे थी. तो 2013 में बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी हुई थी, बहुत अच्छी तरह से चली. मैंने उसके राइट्स लिए और उसको तेलुगु और तमिल में बनाया. और ये ऐसी बात हुई है कि अभी सेकेंड प्रोजेक्ट भी बच्चों के ऊपर ही है, तो मुझे लगता है कि यही कुछ एसोसिएशन है जो आगे चलते रहेगा. और आप प्लीज हमें आपके आशीर्वाद रखिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग सर, गणेश चतुर्थी शुभकामनाएं सबको. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू. आप सबने जो भी कहना था बोल दिया, तो मेरे लिए लास्ट कुछ रखते हैं. लेकिन मैं ये कहूंगा, एक दिन मैं 2 साल पहले मैं बैठ के मैं मेरी फिल्म लिख रहा था खिड़की के पास, और मैं वहीं पे कुछ टाइपिंग कर रहा था, और मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि वी वुड लाइक यू टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म विच इज अबाउट चाइल्ड लेबर. तो मैंने देखा, और मैं मुझे थोड़ा टाइम लगता, आज भी जाते टाइम लगता जवाब देने में व्हाट्सएप पे. फिर से फ्लैश हुआ वही, तो मैंने एक हाथ से जवाब दिया. आई थिंक आई जस्ट रोट डन, आई डोंट नो व्हाई, मुझे मालूम नहीं था. मुझे बहुत टाइम लगता है जवाब देने में, मेरी बीवी फोन करती है तो तब मैं तुरंत जवाब देता हूँ इसके अलावा. लेकिन मैंने बोला डन, और तुरंत ब्रह्मानंद का फोन आया. ओ थैंक यू थैंक यू, बोला या डन. सो आर यू श्योर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? बोले बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा. और मैंने कहा कि कितने दिन कहां पे शूट करना है. बात मुझे कुछ पता नहीं था कि इस फिल्म, इट इज अबाउट चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स. आई स्टिल रिमेंबर वन. तो मिर्जापुर में मैं आई थिंक 45-47 डिग्रीज थे गर्मी, और मैं रूम में गया और मैंने वो लड़के को पूछा एसी ऑन करो ना यार. बोला ऑन ही है. बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा है. तो उसने खिड़की खोली, एसी वैसे. बोला वेरी नाइस. तो और ब्रह्मानंद का फोन आया, बोला आई एम सॉरी, आई होप इट्स कंफर्टेबल. बोला नहीं बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम. जो जो कैलाश जी ने लाइफ में किया है और जहां जहां पे गए हैं और रुके हैं और रहे, उसके सामने ये तो प्रेसिडेंशियल स्वीट जैसा लग रहा था मुझे सचमुच. और फिर हम मैं शूटिंग पे गया दूसरे दिन सुबह, और मेरे कान में ब्रह्मानंद आके कह रहे
किसी को पता नहीं, बताना नहीं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बोला तो क्या बोलूं, मैं धूल खाने थोड़ी आया हूं यहाँ पे। बोला नहीं नहीं नहीं, थोड़ा यहाँ पे रिस्की। बोला मैं कहाँ फंस गया, मैंने डन बोल दिया तो ये डन ही हो गया, तो मैं कहाँ फंस गया। बोला I'm joking, of course I'm joking, मैंने ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन मैं ऐसे सोचो, सोच तो आती है ना यार, सोच तो। बोला ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे थे, जितने भी वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे मैंने बहुत बार देखे, लेकिन मैंने मैंने एक्टिंग में एक एक चीज सीख लिया है कि हम मैनरिज्म्स में और बॉडी लैंग्वेज में और शक्ल और मेकअप या जो भी उनका लुक जो होता है, किसी का भी, किसी भी किरदार का, उस पे ध्यान देंगे तो अंदर में जो बैठा हुआ इंसान जो है वो कभी भूल जाते हैं। तो वो सब तो ठीक है, वो तो गार्निश है, डेकोरेशन है। अगर मैं कैलाशी की आवाज में अगर बात नहीं भी करूं ना, और मैं कोई पतली आवाज में बात करूं तो भी चल जाएगा। वो क्या कह रहे हैं और उनकी सोच क्या है, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है, उनका स्पिरिट क्या है और उनका इंटेंशन क्या है लाइफ में, अगर वो समझ में आए ढंग से, तो फिर आप कुछ भी उनका इमिटेशन करो, आवाज निकालो, उनकी चाल, उनकी उनका बॉडी लैंग्वेज, कुछ भी आप, उसको इमिटेशन कहते हैं। हमें इमिटेशन नहीं करना है, हमें उस इंसान का जो जो स्पिरिट और सोल है वो प्रेजेंट करना है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीरू सहस्त्रबुद्धे है कौन और उसका बॉडी लैंग्वेज मतलब किसने देखा, वी डोंट केयर। I don't know who the person is. I know what he thinks. और क्या सोच है उनकी, और वो सोच गलत है सही है वो ढूंढना है हमें। और कैलाश जी के बारे में तो सोच तो पता ही हमें पहले से ही, और मैंने तीन कैलाश जी देखे उसमें, तीन कैलाश जी जितने भी वीडियोस में। एक कैलाश जी जो बैटमैन बन के घुस जाते हैं और बच्चों को ऐसे चलो चलो चलो, इट्स लाइक I hate to use the word. It's like a thriller action film. It is like an action film. जो भाग रहे बच्चों को खून से लथपथ, कैला जी मार खाते और उनके जो helpers हैं, उनके जो volunteers हैं, they are running from. It's like an action film. वो आपको एक stunt director को दिखाएंगे, वो shoot करके दिखाओ नहीं कर पाएंगे. It is that high powered action. जो लोगों को निकालते हैं, aggressively बात करते हैं. फिर एक जो है जो बच्चों के साथ बैठ के बात करते, ऐसे बात करते हैं जैसे खुद बच्चे। That's the second part of Kailash. Third, the spirit is the statesman, जो यहाँ पे या Nobel Prize award winning 26 countries where he works. Where he works, जो बात करते हैं पब्लिक को और प्रेस को, और उनकी जो वर्ल्ड व्यू है वो समझाते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। There are three great faces of the great man Kailash. तो मैं उनकी इमिटेशन क्या है, जितना बहुत कर सकता है मैंने किया, मैं इतना भी अच्छा एक्टर नहीं हूं, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है, वो कर लिया मैंने, लेकिन इफ आई पे अटेंशन टू दैट आई मिस हिज सोल एंड आई डू नॉट वांट टू रिस्क मिसिंग हिज सोल बाय डूइंग एन इमिटेशन ऑफ हिज वॉइस। आई डू नॉट नॉक कमर्शियल सिनेमा, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम कमर्शियल सिनेमा में बनाए, एंड आई थिंक पीपल हिंदुस्तान में दो ही तो आउटलेट है पब्लिक के लिए, एक क्रिकेट है और एक सिनेमा है, और एक बहुत जरूरी है। People should go to the cinema, have a good time, have a good laugh, go home, it's fine. Without commercial cinema, I feel we may not be able to make smaller movies. And this is not a small movie, it's a big movie, because the impact that needs to make, it will make. It does not have to be a blockbuster to make an impact. The impact is, we were talking to the fine lady over here, we need to make an impact to the people who need to see it. And I think that is what is the approach. So it's very important that samaj, aap jo keh rahe, sahi keh rahe. But it does not have to be a blockbuster. Humne keh rahe ki ye blockbusters ko replace karni chahiye. Hum kehte hain ki blockbusters ko bhi rehni chahiye. Everybody, there's a whole industry that it's their survival, it's their rozi roti, aur usme koi burai nahi. Main har tarah ki picture karta hu. You do some for the kitchen and you do some for the soul. और वो जरूरी है। Only kitchen अच्छा नहीं, only soul भी अच्छा नहीं। कभी-कभी kitchen भी ज़रूरत होती है। So that I think answers both the questions if you want to add to it. But this film
विल मेक एन इम्पैक्ट. सब लोग कल चाइल्ड लेबर बंद नहीं होने वाला, और एक अवेयरनेस है. कैलाश सत्यार्थी के बारे में जो लोग कल 10 लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं. दैट्स ऑल, इट्स मेंट टू डू व्हाट इट्स मेंट टू डू. मुझे जो चीज मुतासर करती है मैं लिख देती हूँ, और इस वक्त मुझे लगता है बच्चे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं हर वक्त, क्योंकि इनसे जो रॉ एनर्जी मिलती है ना वो अनपैरेलल्ड है. मैं जितनी नर्वस टैली में हुई थी मैं आज तक नहीं हुई. सो बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी, उन्होंने कहा था बच्चों के पास पहुंच जाओ, जो करेंगे रिएक्ट कर देना. आई डिडंट इवन नो मेरी शूटिंग कब हो रही थी. इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, ये क्या रिएक्ट करेंगे, क्या एक्टिंग करेंगे, यू डोंट नो, एंड दैट्स मैजिक. और उसको जो करते हैं वो बहुत खूबसूरत होता है. हम ही अलग लगते हैं इनके साथ काम करके. सो इनके बारे में लिखना, ऑफ कोर्स, आई एम राइटिंग अ बुक व्हिच इज ऑन शॉर्ट स्टोरीज एंड इट श्योरली विल हैव देम. तनिष्का बोल, क्योंकि मैं बहुत गर्मी थी तो मुझे बहुत इरिटेटेड हो रहा था, और उसका मेकअप भी मुझे नहीं पसंद. स्टार मैंने बोला ना, हमें एक्टर ये स्टार. और जो मतलब मेरे मम्मी ने बोला था, जब भी तू सेट पे जाएगा तभी पहले सर और कैमरास के पहले, मतलब जब भी वो रेडी बोलेंगे तो तू रेडी हो जाना. मतलब जो भी मम्मी बोलती वो मैं सुनता हूँ. पर मम्मी इतना प्यार करती है और पापा भी इतना प्यार करते हैं, इसके लिए उन दोनों के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ब्रह्मानंद सर. ये बड़ा हो गया. ये मम्मी का है तुम्हारी, मम्मी आई है, ये आपने से सिखा के. और ये मैं